जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेन स्टडी की इस नया वीडियो में। दोस्तों, अगर आप नौजवान हैं और आपका उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में है तो आपके लिए सुनहरा मौका है अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर बन के आप लोगों को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अग्निपथ स्कीम के द्वारा कैसे आप लोग का रिक्रूटमेंट होगा, क्या आप लोग का सैलरी रहेगा, कितने पीरियड के लिए आप लोग को रिक्रूट किया जाएगा, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अग्निपथ स्कीम के द्वारा बोला गया है कि जो तीनों सर्विस है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों सर्विस के द्वारा आप लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। और अग्निपथ स्कीम के अंडर जो रिक्रूटमेंट होगा, इसके लिए आपका उम्र 17 से 21 इयर्स के बीच में होना होगा। और इसके साथ बोला गया है जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट होगा, ये 4 साल के लिए होगा ट्रेनिंग पीरियड को लेके। उसके बाद क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आज। इसमें बोला गया है जो सैलरी आप लोगों का, ये फर्स्ट ईयर सैलरी पैकेज आप लोगों का होगा 4.76 लाख फर्स्ट ईयर में। और इसके साथ अपग्रेडेशन होगा, 4 साल में आप लोगों का सैलरी हो सकता है 6.92 लाख तक। और इसके साथ बोला गया है कि पोस्ट रिलीज, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पोस्ट रिलीज सेवा निधि पैकेज आप लोगों को मिलेगा। बहुत ही एक अच्छा पैकेज है, इसके जरिए आप लोगों को 11.71 लाख मिलेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और ये बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, इसके लिए आप लोगों को कोई भी टैक्स देने का ज़रूरत नहीं होगा। और इसके साथ बोला गया है नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख आप लोगों को मिलेगा। देखिए, नौकरी करते वक्त 4 साल में अगर आप लोग शहीद हो जाते हैं तो आप लोगों का फैमिली को 48 लाख मिलेगा इंश्योरेंस कवर, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को कोई भी कंट्रीब्यूशन करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का इंश्योरेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसके साथ बोला गया है कि अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को असिस्ट इन पोस्ट रिलीज जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब 4 साल के बाद इस सर्टिफिकेट से आप लोगों को बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और अग्निपथ स्कीम का जो टर्म ऑफ सर्विस है, इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि 4 साल होगा आप लोगों का जो सर्विस ट्रेनिंग पीरियड को लेंगे। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि अग्निवीर विल बी गिवन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर एनरोलमेंट इनटू द रेगुलर कैडर। रेगुलर कैडर मतलब परमानेंट नौकरी के लिए आप लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन इसमें बोला गया है कि 25% कैंडिडेट को ही यहाँ पे रेगुलर कैडर के लिए मौका दिया जाएगा और 75% कैंडिडेट को मैंडेटरी वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और अग्निपथ स्कीम की बहुत एक अच्छा जो बेनिफिट है आप लोगों को मिलेगा, सेवा निधि पैकेज। इसमें बोला गया है कि ईच अग्निवीर टू कंट्रीब्यूट 30% ऑफ मंथली पैकेज टू द इंडिविजुअल अग्निवीर कॉर्पस फंड, मतलब 30% जो सैलरी आप लोगों का मंथली, इसका जमा करना होगा आप लोगों को। और सेम अमाउंट, जितने अमाउंट आप लोगों का 30% सैलरी से होगा, सेम अमाउंट गवर्नमेंट जमा करेगा। और दोनों मिला के यहाँ पे बोला गया है ऑन कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट पीरियड वन टाइम सेवा निधि पैकेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11.71 लाख आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो भी अग्निवीर 4 साल सर्विस कंप्लीट करेगा, इन लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा, इससे आप लोग बैंक लोन भी ले सकते हैं। और अग्निपथ योजना का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहले मैं आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों का जो एज है 17 से 21 ईयर्स के बीच में होना होगा। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो एग्जिस्टिंग मतलब अभी सिलेक्शन हो रहा है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, सबका जो क्राइटेरिया है इसमें, हाइट, चेस्ट, सब सेम रहेगा। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी लगभग सेम रहेगा। और इसमें बोला गया है कि ऑल इंडिया और ऑल क्लास रिक्रूटमेंट होगा, मतलब जैसे कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप का रिक्रूटमेंट होता है, अभी ऐसा नहीं होगा, ऑल इंडिया लेवल का रिक्रूटमेंट यहाँ पे होगा। अग्निवीर्स कैन बी पोस्टेड टू एनी रेजिमेंट यूनिट एंड एस्टेब्लिश, कोई भी रेजिमेंट के साथ आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी सिख रेजिमेंट है, ऐसे बहुत सारा रेजिमेंट है हम लोगों का, कोई भी रेजिमेंट में के साथ आप लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, आप लोग का पोस्टिंग दे सकते हैं। अग्निवीर्स वुड फॉर्म ए डिस्टिंक्ट रैंक इन द आर्म फोर्स, आप लोगों को अलग सा रैंक दिया जाएगा अग्निवीर के लिए। और ए डिस्टिंक्टिव इंसिग्निया विल बी ओन बाय अग्निवीर ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड, मतलब 4 साल का जो एंगेजमेंट पीरियड होगा आप लोगों का, उसमें आप लोगों को अलग से इंसिग्निया दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 साल का रिक्रूटमेंट होगा, 4 साल के बाद आप लोगों का जो 25% कैंडिडेट है उनको परमानेंट सर्विस के लिए मौका मिलेगा। और बाकी 75% कैंडिडेट को ऑब्वियसली वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना होगा अग्निवीर स्कीम के द्वारा। और इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा रिक्रूटमेंट में, इस साल 2022-23 में बहुत सारा रिक्रूटमेंट होगा, बहुत मास रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि 2 साल से रिक्रूटमेंट बंद भी है। तो आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अग्निवीर बनने का अग्निपथ स्कीम
टीम के द्वारा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।